हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं डिफीट बॉब और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए से वीडियो पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, कट रही होगी सबकी। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं जिगल के बारे में। जिन लोगों को ये नहीं पता कि जिगल क्या होता है, तो जिगल ये होता है जब आप एनिमी का एम खराब करने के लिए लेफ्ट राइट मूवमेंट देते हैं, फास्ट या स्लो, जैसे भी तरीके से हिलते डुलते हैं, उसे जिगल कहते हैं, ठीक है। बट जिगल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका एम। अगर आपका एम एनिमी के हेड पे है तो बंदा गिरेगा ही गिरेगा, और अगर आप परफेक्ट जिगल करते तो उसका एम भी खराब होगा, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी गिर जाएगा और नॉक हो जाएगा। तो किस तरह से जिगल करना है, जो भी करना है, अपन जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे फटाफट। अभी आ चुके अपन ट्रेनिंग ग्राउंड पे। और हाँ, आप सभी को आगे बात करने से पहले ये बोलना चाहूँगा, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत से बंदे हैं जिगल मतलब अननेसेसरी करते हैं। जो काम निडल से हो सकता है, वो चीज़ स्वॉर्ड से करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, मतलब बंदा सामने से आ रहा है तो उसे आप जिगल करके मार सकते हो। अब बंदा आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है, वहाँ पे ज़बरदस्ती का जिगल करने का मतलब होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और कुछ बंदों को जब पता नहीं होता है, वो ऐसे जिगल करते हैं। देखो, जॉयस्टिक को देखना मेरे, सामने से जिगल करते, सामने सामने से अगर आप जिगल करोगे तो होगा ही नहीं। आपका जो जॉयस्टिक का मूवमेंट है वो पीछे से होना चाहिए। पीछे आप अगर करोगे परफेक्ट जिगल होगा वो। देखो, ये सामने से भी करते हैं कुछ लोग, मतलब क्या बंदे के मुंह में घुस जाएगा, ऐसे में तो आपका एम ही खराब होगा गाइस। तो ऐसे जिगल मत करना कभी भी, ऐसा करना ये होता है परफेक्ट, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, ये ऐसे ऐसे करना जिगल। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं फास्ट, जैसा जॉनी करता है, एकदम फास्ट करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि बंदा अपनी जगह पे घूमते रह जाता है, जिससे कि एनिमी आपके हेड पे एम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे अगर आप ऐसे जिगल करते हैं तो, समझ रहे हो ना, मैं भी कभी कभी कर सकते हो आप। अगर बंदा आपसे थोड़ा ज़्यादा ही पास है तो ये कर सकते हो आप, लेकिन दूर है तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आपसे एनिमी थोड़ा ज़्यादा ही दूर है तो आप लॉन्ग जिगल कर सकते हो। अभी देखो, लॉन्ग जिगल ऐसे करते हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसा लॉन्ग, बुलेट स्प्रेड भी कम होगा। अगर आप जायरो प्लेयर हैं तो आप अपने फ़ोन को टिल्ट कर सकते हैं। ये फास्ट है, थोड़ा सा फास्ट और ये थोड़ा लॉन्ग, दोनों मिक्सअप भी कर सकते हैं। जिगल करते करते आप क्राउच कर सकते हैं, बुलेट स्प्रेड लेकिन बहुत होता है गाइस जिगल करने से। लेकिन अगर आप खड़े भी रहोगे तो भी बंदे को आपको मारने में थोड़ा ईजी होगा। तो ट्राई करो, हर जगह जिगल ना करो, ट्राई करो कि थोड़ा कम ही करो। आप यहाँ पे आ सकते हैं और ये अपना जो जिगल होता है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो कि ये बंदे हैं, इनको अपने आपको आपको इनके ना मतलब जो कि ये डायरेक्शन पे जा रहे हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जाना है और ऐसा जिगल करना है। और ट्राई करो कि हर एक ये जो बंदे हैं, क्या बोलते हैं इसको, कार्डबोर्ड बोलते हैं क्या, हाँ, इसको आप गिराने की कोशिश करो। ये तो कंट्रोल होता ही नहीं यार M762। हाँ, बट इसमें अगर आप लेज़र स्प्रे लगाओगे ना, बहुत जहर ही फायर होता है। ये बॉक्स के पीछे वाला भी आप ड्रिल कर सकते हो, इससे आपका जो क्रॉस एयर है वो प्रैक्टिस होगा। बॉक्स के पीछे अगर बंदा है तो आगे जाओ, जंप करो, मारो उसको यहाँ पे, ऐसा मतलब फायर देते रहो, ऐसा प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो होता है। जंप करो, क्राउच करो, फायर देते रहो बस। अगर आप ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो ना गाइस, तो ये रिजल्ट आपको देता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में कम से कम आप 20 मिनट भी अगर आप अपने दिन का दोगे ना, तो ये आपको रिजल्ट देगा। सीधा आप गेम में घुस जाते हो, क्लासिक TDM वगैरह खेलो, बिना TDM के, बिना ट्रेनिंग ग्राउंड में जाए, सीधा कस्टम में घुसोगे यार गाइस, नहीं होता। जितना भी प्रो बंदा है, देखो जॉनी हो, स्काउट हो, मॉडल हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे के सारे ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही कस्टम पे घुसते हैं। बिना ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाओगे, कस्टम में घुसेंगे ना, तो उनका भी गेम प्ले बहुत ख़राब होगा। देखो, ये जो स्ट्रीम करते हैं उसमें आप देखते हो कि 5 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उस स्ट्रीम के पीछे भी उन लोग
लगभग वही आधे एक घंटे प्रैक्टिस करके आए हुए होते हैं, तभी इतना ओपी गेम प्ले उनका होता है। आप अपना जो प्रैक्टिस है वो टेडियम में भी कर सकते हो। टेडियम में क्या है कि आपको रियल बंदे मिलेंगे और उनको जो मारने का एक्सपीरियंस है वो क्लासिक कस्टम में काम आएगा। और ये ट्राई करो कि जो आपका एम है उसको हेड पे ही रखो। ये तो कोई ये हेड पे रखा ना, ऐसा रखो। हाँ, मैं भी कोई इतना प्रो बंदा नहीं हूँ, कॉम्पिटिटिव प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन ये तो बेसिक्स है गाइस। कि कभी कभी क्या होता है, जब आपके सामने तीन चार बंदे एक साथ आते हैं ना, तो हम लोग एम हेड पे एम रखना ही भूल जाते हैं। हमको ये रहता है कि लेफ्ट से बंदा आएगा उसको लेफ्ट से मारना है, राइट से आएगा उसको राइट से, स्ट्रैटेजी बनाने में हम लग जाते हैं और एम को हम लोग भूल ही जाते हैं वहाँ पे। ये मत करना गाइस, एम हमेशा हेड पे रखना। ये सब तो हो गया जिगल का बात। अब हिप फायर जो होता है, हिप फायर में आप जितना स्टेबल रख सको ना फोन को उतना ही रखना। मतलब अगर जो सामने वाला एनिमी है वो जो मूवमेंट देगा उसके हिसाब से अपना एम शिफ्ट करो, अपना जो क्रॉस एयर होता है उसको शिफ्ट करो। ज़बरदस्त क्या है, इधर उधर हिलाओगे आपका एम खराब होगा। स्टेबल रखोगे वो बंदा खुद ना खुद आएगा ही, क्योंकि आजकल सबको एक जिगल करने का एक चुल मचा हुआ होता है, तो सामने वाला बंदा आपके जिगल में फंसेगा ही फंसेगा। बस एम को हेड पे रखने का है, बंदा खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। और अगर आपके पास कस्टम या जो भी आप खेल रहे हो क्लासिक खेल रहे हो, उसमें अगर आपके पास कवर है तो उस कवर का यूज़ अच्छे से करो। क्या होता है यार, हमारे पास कवर है, सामने बंदा आ रहा है, हम उसको मारने के लिए अपना जो होता है बॉडी उसको एक्सपोज कर देते हैं, पूरा सामने आ जाते हैं, जिससे कि उसको भी थोड़ा ईजी होगा मारने में। अब हम उसको एडवांटेज क्यों दें गाइस, ये भी सोचो। लॉन्ग रेंज फाइट लेते हो तब छोटा पीक दो, क्लोज रेंज है तब भी छोटा पीक दो, और फास्ट एकदम जो रिफ्लेक्स होता है उसको तेज कर लो, उसको फास्ट कर लोगे ना। एक बात बताऊँ, अगर आपको प्रो बनना है ना, अपना रिफ्लेक्स फास्ट कर लो, अपना स्प्रे इम्प्रूव कर लो, ये दो चीज़ चाहिए आपको। गेम सेंस तो खेलते खेलते आ ही जाते हैं बंदू पे। आजकल गेम सेंस सब लगाते हैं यार, दिमाग सब लगाते हैं, बस आपका जो गेम पावर है ना, जो गेम प्ले है वो अच्छा होना चाहिए, ये मैटर करता है। बस आपका स्प्रे, आपका क्रॉस एयर, रिफ्लेक्स, बस ये दो या तीन चीज़। मैंने यहाँ पे जो भी बातें बताई गई, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला इसमें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी की जो भी बातें होगी वो मैं अगले वीडियो पे बनाऊँगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।